मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए बिहार सरकार ने राज्य के सभी स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान को 31 मार्च तक बंद करने का आदेश निर्गत किया था, लेकिन दरभंगा में कई जगहों से सरकार के आदेश की अनदेखी करने की भी शिकायतें मिल रही थी। कोरोना की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन तुरंत सक्रिय हुआ और दरभंगा के बिरौल थाना इलाके में एसडीओ के नेतृत्व में कई शैक्षणिक संस्थान पहुंचकर जांच की, जिसमें एक निजी स्कूल और कोचिंग को संचालित होते हुए पकड़ा। जांच के बाद एसडीओ के आदेश पर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने एक निजी स्कूल और एक कोचिंग सेंटर के खिलाफ थाने में लिखित शिकायत भी कर दी है। वहीं स्कूल प्रबंधक ने कहा कि जब प्रशासन के लोग हमारे यहाँ पहुंचे तब महज कुछ बच्चे ही मेरे स्कूल के थे, बाकी बच्चे बाहर के थे। बोले लेकिन कह रहे थे जो जाते हैं फिर करेंगे, स्कूल चलाते हैं। कहें सर छुट्टी हो गई है विद्यालय में, बच्चे को गार्जियन सब आए हैं लेने के लिए। 19 को बच्चा था जिसमें 9 बच्चा मेरा था और 10 बच्चा विद्यालय का था। जबकि कोचिंग संचालक ने कहा कि उनके पास कोई छात्र नहीं था जिसे वे पढ़ा रहे थे। उन्होंने कहा कि कल रविवार होने के कारण छात्र नहीं पहुंचे थे और आज जब छात्र यहां पहुंच रहे थे तो उसे पढ़ाने के बदले सिर्फ सरकार के आदेश की जानकारी देकर वापस कर रहे थे। यहां कोई पढ़ाई नहीं हो रही थी। बारिश होने की वजह से कोचिंग खुली नहीं। संडे को साप्ताहिक छुट्टी रखते हैं। सोमवार को बच्चा जब आए तो उनको हम चेतावनी देकर के जो सरकार का सर्कुलर है कहते हुए 31 तक कोचिंग बंद कर दी। जब सर आए हुए थे एसडीओ साहब तो उस समय कोई भी बच्चा हमारे यहाँ प्रेजेंट नहीं था, वो खुद देख कर गया। बताते चले कि दरभंगा एसएसपी ने पुष्टि करते हुए कहा कि कोरोना के कारण सरकार ने एहतियातन स्कूल और कोचिंग बंद करने के आदेश के बाद भी वहाँ निजी स्कूल और कोचिंग संस्था संचालित हो रहे थे। इसके खिलाफ शिक्षा पदाधिकारी ने थाने में लिखित शिकायत की है। दोनों संस्थानों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऐसी सूचना प्राप्त हुई कि सरकारी आदेश के बावजूद एक प्राइवेट स्कूल और एक कोचिंग खुला हुआ था। इसमें प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की ओर से थाना में आवेदन दिया गया है। इस संबंध में थाना अध्यक्ष को और एसडीपीओ को विधि सम्मत कार्रवाई करने का निर्देश है। शिक्षा विभाग की तरफ से जो सूचना प्राप्त होगी तदनुसार विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। एसएम रेजेंसी एसी वाईफाई एवं आधुनिक सुविधा से सुसज्जित हर एक कक्ष सहित बेकरी के कई आइटम उपलब्ध। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट आपके स्वाद पर वर्षों से खरा। आपकी संतुष्टि हमारा विश्वास, अवश्य पधारे। गुरुकुल पब्लिक स्कूल टीवीडीसी रोड लहरिया सराय दरभंगा। अनुभवी एवं भारत के अलग अलग प्रांत से शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा प्ले से दशम कक्षा तक सीबीएसई पैटर्न से पढ़ाई की व्यवस्था। लड़के एवं लड़कियों के अलग अलग छात्रावास की उत्तम व्यवस्था, जो छात्रों के लिए अलग से पढ़ाई की व्यवस्था। स्कूल एडमिशन और डे बोर्डिंग के लिए जल्द संपर्क करें गुरुकुल पब्लिक स्कूल। रोज द मेडिसिटी बाय डॉक्टर एम के शुक्ला। दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास, रोज द मेडिसिटी। इमरजेंसी शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था। संपर्क करें रोज द मेडिसिटी दिग्घी वेस्ट मिसरटोला दरभारस हॉस्पिटल। मिथिलांचल का गौरव आउटडोर में विशेषज्ञ चिकित्सकों की सुविधा। गंभीर मरीजों के लिए हाईटेक इमरजेंसी, हर सुविधाओं से लैस पारस हॉस्पिटल वीआईपी रोड अलपट्टी दरभंगा। डॉन बॉस्को स्कूल बीबी पाकर दरभंगा। सीबीएसई 10+2 नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय। सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं, बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था। प्रारंभ जल्द, संपर्क करें डॉन बॉस्को स्कूल बीबी पाकर दरभंगा। ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल लक्ष्मी सागर दरभंगा।
मिथिलांचल का गौरव श्रेष्ठ विद्यालयों में से एक। वर्ग एलकेजी से दशम तक की कुशल शिक्षा, सर्वोत्तम परीक्षा फल, वृहद पुस्तकालय, सुसज्जित विज्ञान एवं गणित प्रयोगशाला, मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति, कमजोर विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त वर्ग व्यवस्था, मेडिकल इंजीनियरिंग MBA, MCA एवं प्रशासनिक सफलता की आधारशिला, परिवहन सुविधा उपलब्ध। सत्र 19-20 के लिए वर्ग LKG से नवम तक पंजीयन एवं नामांकन आरंभ। संपर्क करें ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल, लक्ष्मी सागर, दरभंगा।